अगर आप अपने फोन पे पबजी के किसी भी वर्जन को प्ले करते हो और आपका फोन 10 से 15 या एक घंटे या आधा घंटे में आपका फोन इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि खेलना जो कि उसमें बनता ही नहीं, बात ही नहीं होती, और डायरेक्टली कभी कभी तो नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि ओवर हीटिंग का, तो अगर आप अपने फोन पे किसी भी गेमिंग को लेके, जो कि मैं खासकर इस वीडियो को बना रहा हूँ पबजी से रिलेटेड, तो अगर आप इन गेम्स को प्ले करते हो और आपको हीटिंग की प्रॉब्लम शो होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। करना क्या गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। मेरा नाम है आकाश और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेकर चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो देखिएगा इस मोबाइल के स्क्रीन पे आज क्यों, और यहां पे हम बात करें कि हमारे फोन पे पबजी लाइट या पबजी का कोई भी वर्जन हम गेम अपने फोन पे खेलते हैं तो हमें हमारे फोन पे हीटिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। 6 मिनटों या कुछ ही घंटों में हमारा फोन इतना ज्यादा हीट हो जाता है, गेम खेलना भी उसमें काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने फोन की हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक को अप्लाई करना है जिससे कि आपका फोन कभी भी हीट नहीं होगा, आपका फोन गेम खेलते समय कभी भी हीट नहीं होगा। तो करना क्या है, आपको इसके लिए फर्स्ट एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, खासकर पबजी लवर वालों के लिए। तो उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चेक करके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है GFX टूल, एंड यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ से पहले मैंने अपने फोन पे सेटिंग की हुई है, क्योंकि मेरे फोन पे भी गाइस 8GB रैम वगैरह सब कुछ है, उसके बावजूद मेरे फोन पे अगर मैं काफी देर तक गेम खेलता हूँ मेरा फोन काफी ज्यादा हीट होता है, और कई बार तो इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि नोटिफिकेशन आ जाती है और मुझे सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक मेरा फोन जो कि बंद कर देता है। ऐसे में आपको क्या करना है, इस ऐप को ओपन करने के बाद हम यहाँ से बिजमा इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे अगर आपका डाटा ऑन होगा तो एड्स आ सकते हैं। इसके लिए अगर आप सिस्टम जो कि कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अपने डाटा को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने का मतलब ये होगा कि आपको एड्स नहीं आएंगे। एड्स को रिमूव कर दिया और हमने बीजमाई इंडिया जो कि सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये फीचर्स आपको मिल जाएगा। अब मैंने अपने फोन पे ऑलरेडी सेटिंग की हुई है तो मैं आपको वही सेटिंग दिखा रहा हूँ, मैं कुछ करूंगा अलग से नहीं, मैंने क्योंकि मेरे फोन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मैंने ऑलरेडी कर ली है और मुझे अब हीटिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही। तो इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं जैसा है आपको वैसा ही कर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। आपको पहले रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, ये आपका काफी ज्यादा हाई पे सिलेक्टेड रहेगा, HD वगैरह पे सिलेक्टेड रहेगा। तो देखो गाइस अगर आप किसी भी गेम का रेजोल्यूशन एकदम हाई करते हो, एकदम HD क्वालिटी पे अगर आप उस वीडियो को देखते हो, गेम खेलते हो, भाई साहब आपके प्रोसेसर को, आपके फोन की रैम को काफी ज्यादा यूज होना पड़ता है, और यूज होने का मतलब आपका फोन 100% हीट होगा, क्योंकि इसका फर्क ये होता है कि आपके फोन पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, वो भी सपोर्ट करना पड़ता है आपके फ़ोन को, और उसके बाद आप अपने फ़ोन पे ऐसे गेम को खेलना है जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो भाई साहब इसके लिए आपका फ़ोन हीट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से रेजोल्यूशन 1024 पे किया हुआ है जिससे कि ग्राफिक में कोई गिरावट नहीं आती, क्योंकि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन का जो स्क्रीन होता है भाई PC वाला नहीं है, तो उतनी ज़्यादा ग्राफिक यहाँ से गिरावट नहीं दिखेगी और अच्छा खासा गेम प्ले आपका चलने वाला है। तो टेंशन मत लेना कि आपकी ग्राफिक गिरी हुई आएगी, कार्टून टाइप का गेम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही रहेगा, बट आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आपका फ़ोन हीट फिर नहीं होगा। तो रेजोल्यूशन जैसा है वैसा आप देख लेना, और उसके बाद ग्राफिक काफ़ी लोग क्या करते हैं बैलेंस पे करके रखते हैं, तो बैलेंस एक बेटर चॉइस है, इसमें कोई ये नहीं कहूँगा कि बुरा ये है, लेकिन मेरी राय है कि आप इसे स्मूथ में करना, स्मूथ में करोगे आपका फ़ोन ना उस गेम के लेवल पे जितनी ग्राफिक उस पे चाहिए, यूज़ होनी चाहिए, उतना ही देगा, ज़्यादा लोड नहीं होने देगा, जिससे कि आपके फ़ोन के प्रोसेसर पे ज़्यादा दिक्कत नहीं बनेगी और आपका गेम काफ़ी बढ़िया चलेगा। अब उसके बाद थर्ड में FPS, अब FPS बहुत ज़्यादा जो कि गेम को चलाने और गेम को खेलने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है, क्योंकि जितना अच्छा FPS होगा गाइस उतना गेम स्मूथ चलेगा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जितना अच्छा FPS आएगा उतना ज़्यादा गेम आपका स्मूथ चलते चलते आपके फ़ोन को भी लोड उतना ज़्यादा सहना पड़ेगा, तो इसलिए आप बहुत सारे लोग जो कि 60 FPS पे करके रखते हैं वो भी एक बेटर चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ से तो भी आप देख सकते हैं 30 FPS ऑलरेडी पहले से था, मेरे फ़ोन पे 8GB रैम है, उसके बावजूद मैंने यहाँ से 30 FPS करके रखा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टाइम गेम खेलना है, मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए, फ़ोन मेरा हीट नहीं होना चाहिए और मुझे गेम प्ले का मजा लेना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ से FPS किया हुआ है, आपको भी ऐसा कर लेना है। एंटी एलियासिंग को मैंने डिसेबल करके रखा है, स्टाइलिश क्लासिक होगा, और उसके बाद रेंडरिंग क्वालिटी लो पे कर लेना, शेडो वगैरह सब कुछ मेरा ये डिसेबल ही है, टेक्सचर क्वालिटी लो कर लेना, काफ़ी लोग मीडियम करके रखते हैं, आप लोकेशन पे जाते हो उसकी ग्राफिक काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलती है टेक्सचर वगैरह, तो इसलिए गाइस मैंने यहाँ से टेक्सचर क्वालिटी भी लो कर लिया, इफेक्ट क्वालिटी लो है, और इम्प्रूवमेंट फॉर इफेक्ट्स को भी मैंने लो किया है, और उसके बाद LOD डिस्टेंस को भी मैंने लो किया है। तो देख सकते हैं जैसे सेटिंग ये वैसे ही आपको कर लेना है, और ग्राफिक API पे इसे आप OpenGL पे सेलेक्ट कर लेना, और GPU ऑटोमाइज डिसेबल कर लेना, साउंड क्वालिटी डिफॉल्ट कर लेना, बटन रिफ्लेक्शन भी डिसेबल कर लेना, और सेव कंट्रोल डिसेबल कर लेना, और उसके बाद ये सारी सेटिंग को अप्लाई करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका गेम ओपन हो जाने वाला है,
और गेम आपका, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बाहर से सेटिंग करेंगे बैन हो सकता है अकाउंट वगैरह, भाई सब कुछ नहीं होता। मैंने 3-4 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कोई फ़र्क नहीं आया, आपको भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना, एड्स वापस आ सकता है और डायरेक्टली आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ। तो इतना कर लेना दोस्तों, आपको कभी भी आपके फ़ोन में गेम खेलते समय हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देखने के मिलेगी अगर आप पबजी गेम को खेलते हो तो। सेकेंड में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस एप्लीकेशन का काम ये होगा गाइस कि आपके फ़ोन पर जब आप गेम खेलने जाते हो, आपका बहुत ही बड़ा गेम है पबजी मोबाइल, तो आप उस गेम को जब खेलोगे ना, तो उसके पहले आप उस एप्लीकेशन में सेटिंग कर लेना और सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देना। मतलब क्लोज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके डाटा को बंद कर देना। आप किसी भी एप्लीकेशन के आप डाटा को बंद कर दोगे तो 100% उसका यूज़ होना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा आपके फ़ोन पे और आपका फ़ोन काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगा। तो इंटरनेट कनेक्शन जब उन एप्लीकेशन को नहीं मिलेगी तो आपका गेम और भी स्मूथ चलेगा, आपको पिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपको नेटगार्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इसके बाद इसको परमिशन देके इसे इनेबल करना, ऊपर वाले जो मैंने अभी सेटिंग ऑन किया है बटन ऑन किया उसे आप ऑन कर देना और सभी एप्लीकेशन के गाइस इस तरह कनेक्शन को बंद कर देना। अब इतना करते ही गाइस इन एप्लीकेशन को क्या होगा कि डाटा, आपका इंटरनेट डाटा नहीं मिलेगा और आपका फ़ोन काफ़ी तक फ्री होगा और गेम आपका फास्ट चलेगा। तो ये कर लेना और जैसे आप गेम खेल के बंद कर दो तो आप इसे ऑफ कर देना, आपका फ़ोन जैसा था वैसा हो जाएगा, सभी एप्लीकेशन को डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया दो ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसे आप कर लीजिएगा, आपके फ़ोन की जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपको इसी तरह की वीडियोज़ देता रहता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।